अब आपको कई घंटे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है डोसा बनाने के लिए। 5 मिनट में आप इसको घर पर बनाकर खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो देखने के लिए, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यकीन है कि आप इसको बार बार बनाकर खाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने 1 कप चावल का आटा ले लिया है। चावल का आटा आप मार्केट से ला सकते हैं, नहीं तो आप घर में बनाने के लिए आपके पास जो भी चावल है घर पर अवेलेबल, तो आप उस चावल को मिक्सर में उसका पाउडर बना लें, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है, और उसे छन्नी से अच्छे से छान लें। उसके बाद इसमें आप स्वादानुसार नमक मिला दें। इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देते हैं हम, और इसमें यदि आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो हरी मिर्च बारीक काट कर ऐड कर दें। ये हरी वाली प्याज के पत्ते ले लिया है, अभी इस समय मिल रही है तो वो ले लेते हैं। इसको भी हमने बारीक काट लिया है, आप इसकी जगह बारीक प्याज काट के डाल सकते हैं। और इसमें आप जो भी आप वेजिटेबल्स डालें तो उसको बारीक चॉप कर लें। और इसमें हमने गाजर को कद्दूकस करके ऐड कर दिया है। आप अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स, शिमला मिर्च वगैरह। और इसको हम पानी से मिक्स करते हुए इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। इस बैटर की कंसिस्टेंसी हमको बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है और ना ही एकदम गाढ़ी, लेकिन इसको थोड़ा पतला ही रखेंगे तभी हमारे डोसे क्रिस्पी बनेंगे। हरी धनिया बारीक काट कर मिला देते हैं। इसको थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए हमने लाल मिर्च पाउडर मिला दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और बस हम तवे की तरफ चलते हैं। तो तवे को हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और गैस को तेज पर ही रखना है ताकि हमारा ये तवा अच्छा गर्म हो जाए। जब हमारा तवा अच्छे से गर्म हो गया है तो इस बैटर को हम बड़े चमचे से डाल देते हैं। अभी ये जो दिख रहा है ना वाइट वाइट, आपको अलग ही दिख रहा होगा, तो इसको हम ट्रांसपेरेंट होते तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते हैं। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इस तरीके से ये जो वाइट वाइट दिख रहा था पूरा हट गया है, यानी कि वो नीचे से अच्छे से बेक हो चुका है। और ऊपर हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ऑयल से इसलिए ग्रीस कर लिया है ताकि इसको हम दूसरी तरफ पलटाएंगे तो ये दूसरी साइड भी अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा 8 से 10 घंटे के लिए, क्योंकि हम जो नॉर्मल डोसे का बैटर बनाते हैं घर पर, तो उसके लिए हम चावल और दाल को 8 से 10 घंटे पानी में भिगोकर रखते हैं और फिर उसके बाद हम उसको बैटर को बनाने के लिए उसको पीसते हैं, तो कितना ज़्यादा परेशानी होती है ना। और ये देखिए कितनी जल्दी से आपका बनकर तैयार हो जाता है। जब भी आप डोसा बनाएं, जैसे कि एक डोसा बना लिया, तो उसके बाद आप फिर से हल्का सा ऑयल से तवे को ग्रीस कर लें ताकि ये हमारा बैटर चिपके नहीं। और बस इसी बात का ध्यान रखें कि जब ये ऊपर से इस तरीके का ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आप हल्का ग्रीस कर लें ताकि इसको हम दूसरे साइड भी अच्छा क्रिस्पी कर लें। खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है फ्रेंड्स ये। आप रियली सप्ताह में 2 से 3 बार तो इसको ज़रूर खाएंगे। बच्चे से लेकर बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें आप अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो ये हमारा हेल्दी और मज़ेदार डोसा बनकर तैयार है। खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। और इसके साथ यदि आप चटनी खाना चाहते हैं तो चटनी का वीडियो मैंने पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड किया है, और चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसमें लिंक शेयर की है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जल्द ही मिलते हैं आपके साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।